हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सारे लोग बढ़िया होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ ट्रैवल करते हो, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट्स हैं, तो 7 स्टेट्स में अलग अलग गाइडलाइंस हैं। हर स्टेट में अलग अलग एयरपोर्ट्स हैं, तो सबकी गाइडलाइंस अलग हैं। ये जो गाइडलाइंस हैं वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाई हैं। एंड आई एम गोना टेल यू, अगर आप फ्लायर हो, आप वहाँ पर ट्रैवल करने वाले हो, तो कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको फॉलो करनी करनी पड़ेंगी। जैसे कि आपको अपने फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आप अपनी आरटीपीसीआर रिपोर्ट्स पहले से बनवा के लेके जाते हो, तब आपको वो सिर्फ आईसीएमआर लैब से ही वैलिड होगी। और जो टाइम है वो सब स्टेट्स में मतलब अलग अलग थोड़ा थोड़ा चेंज है। किसी में 72 आवर्स पर आ रहा है, किसी में 96 है। वो मैं आपको बताता रहूँगा स्टेट्स के साथ साथ। काफ़ी सारी जगह पे क्या है कि पैसे दे के भी टेस्ट हो रहा है, काफ़ी सारी जगह पे फ्री में हो रहा है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहला आता है आसाम। आसाम के अंदर आते हैं आपके 6 एयरपोर्ट्स। तो 6 एयरपोर्ट्स हैं, सबके रूल्स एंड रेगुलेशन सेम है, पर डिब्रूगढ़ की थोड़ी सी अलग है। जब आप वहाँ पे जाओगे तो फ्री में आपका टेस्ट होगा, वो भी आपको रैट टेस्ट होगा। रैट मतलब कि रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। उसके बाद में अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट में आप निगेटिव आते हो, क्योंकि इसका हिसाब एकदम उल्टा है, वो भी आरटीपीसीआर रिपोर्ट्स की तरह। आरटीपीसीआर रिपोर्ट्स में अगर आप पॉजिटिव आते हो तब आपको क्वारंटाइन कर देंगे, लेकिन रेड टेस्ट में ये है कि आप अगर निगेटिव आते हो तब आपका सैंपल कलेक्ट करा जाएगा आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए। आरटीपीसीआर टेस्ट में अगर आप, तब उसकी रिपोर्ट आएगी 2 से 3 दिन में, तब तक आपको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। और उसके बाद भी अगर आप पॉजिटिव आते हो तब आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर देंगे, मतलब वहीं के हॉस्पिटल वगैरह में कहीं पर भी क्वारंटाइन कर देंगे। अगर आप डिब्रूगढ़ के अंदर जाते हो तो डिब्रूगढ़ के अंदर ये है कि आप जब वहाँ पर जाओगे, पहले अगर आपका रेड टेस्ट निगेटिव आता है तो निगेटिव आने के बाद में आपका सैंपल कलेक्ट करा जाएगा। सैंपल कलेक्ट करने के बाद में आपको 10 डेज होम क्वारंटाइन तो करना ही पड़ना पड़ेगा, मतलब अपने आपको आइसोलेट करना पड़ेगा। जो आरटीपीसीआर टेस्ट है उसकी फीस आपको अपने आप देनी पड़ेगी, वो 2200 रुपये है, मतलब 2200 रुपीज़ है, वो आपको अपने आप से पे करनी पड़ेगी। और आपको अगर आपको सपोज इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन वगैरह पसंद नहीं आते, गवर्नमेंट के नहीं पसंद आते, तो आप होटल बुक कर सकते हो, लेकिन वो आपको सिर्फ अपने खर्चे से करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए छूट है, छूट उन लोगों के लिए है जो लोग सपोज करो आप आसाम से ट्रेवल कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, 96 आवर्स के अंदर आप वापस आ जा रहे हो और आपके पास पहले से रेड टेस्ट की रिपोर्ट है, तब आप उनको शो कर सकते हो, तब आपको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। कुछ और लोगों को छूट है जिनको कि इंस्टीट्यूशन में क्वारंटाइन नहीं करेंगे, वो ये है कि अगर आप प्रेग्नेंट है, मतलब प्रेग्नेंट वूमेन है, तो उसको छूट है, उनको सिर्फ आपके अपने डॉक्यूमेंट शो करने पड़ेंगे। कोई लोग हैं अगर वो 75 से ज़्यादा की एज के, तब उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन नहीं करेंगे। कोई दिव्यांग है या फिर कोई डिसेबल है, उनका कोई इलाज चल रहा है या कोई फ्यूनरल में ट्रेवल कर रहे हैं, 10 साल से छोटे बच्चे, इन सब लोगों के लिए छूट है, वो लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन नहीं करेंगे, सीधे घर पर भेज देंगे। आसाम के अंदर अगर आप ट्रैवल करते हो तो वहाँ पे जाने से पहले आपको अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म तो भरना ही भरना पड़ेगा। एंड अगर आप सपोज आर्मी में हो या फिर कुछ है, तो आपको आसाम एयरपोर्ट से सीधे अपने एरिया में जाना पड़ेगा, मतलब कंटेनमेंट एरिया में जाना पड़ेगा। उसके बीच में आपको कहीं पर भी रुकने अलाउ नहीं है। इवन अगर आप ट्रांजिट में भी हो, सो एक रात से ज़्यादा आप वहाँ पे नहीं रुक सकते, मतलब 24 आवर्स आपका ट्रांजिट में नहीं रुक सकते हो। देन आपको आरटीपीसीआर रिपोर्ट्स करवानी पड़ेगी। अगर आप त्रिपुरा के अंदर ट्रैवल करते हो तो वहाँ पे अगरतला एयरपोर्ट है, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ आपकी थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। उसके बाद में अगर आप थोड़े से सिम्टोमेटिक पाए जाते हो तब आपका रैंडम सैंपल चेकअप होगा। उसमें भी अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हो तो आप अपना 14 डेज के लिए होम क्वारंटाइन कर सकते हो। उसके अलावा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो स्टेट के अंदर। अगर आपको थोड़ी बहुत भी सिम्टम्स हैं तो एक कॉन्टैक्ट नंबर है, टोल फ्री नंबर, आप उस पर कॉल करके बता सकते हो। एंड देन द होल टेक केयर विल बी डन बाय द गवर्नमेंट, और वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट आपकी टेक केयर करेगी। अगर आप मेघालय के अंदर ट्रैवल करते हो तो वहाँ पे शिलोंग एयरपोर्ट है। शिलोंग एयरपोर्ट पे क्या सीन है कि आप जब वहाँ पे जाओगे तो आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा, और आप अगर उसमें निगेटिव आते हो तो आपका आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। एंड देन आरटीपीसीआर टेस्ट निगेटिव आने के बाद भी आपको 10 डेज होम क्वारंटाइन जरूरी है, और अगर आप पॉजिटिव आते हो आरटीपीसीआर टेस्ट में, तब तो आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर देंगे, इवन कोविड सेंटर भेज देंगे। वहाँ पे जाने से पहले आपको अपने एक रजिस्टर्ड, मतलब यूनिक आईडी बनानी पड़ेगी, आपको ट्रैवलिंग से पहले बताना पड़ेगा। एंड इवन आपको एक जगह पे और लॉगिन करना पड़ेगा, ताकि आपको कोई पिकअप करने के लिए ड्राइवर या फिर कोई भी कैब वाला आपको पहले से बुक करना पड़ेगा। उसकी मैं आईडीज नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर आप अपनी आरटीपीसीआर रिपोर्ट्स पहले से लेके जाते हो तब आपको ज़रूरत नहीं है, वो भी सिर्फ बनी होनी चाहिए 72 आवर्स प्रायर, मतलब, और वो भी आईसीएमआर लैब से, तब आपको वहाँ पे जाके आर टेस्ट नहीं करवाना, मतलब रेड टेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा, देन यू विल बी एक्सटेंड फ्रॉम दैट। अगर आप मिजोरम के अंदर ट्रैवल करते हो तो मिजोरम के अंदर ट्रैवल करने के लिए आपको एक एम पास बनवाना पड़ेगा। एम पास क्या है कि आपको बोर्डिंग से पहले ही करवाना पड़ेगा। सपोज आप महाराष्ट्र से जा रहे हो वहाँ पे, तब आपको एम पास बनवाना पड़ेगा। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वो स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप करवा सकते हो। इवन अगर आप वहाँ पे जाते हो तो आपका थर्मल स्क्रीनिंग तो होगा ही होगा, इवन आपको कोविड टेस्ट दिखाना पड़ेगा, मतलब रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। अगर आप नहीं दिखा सकते हो तब आपके पास ऑप्शन है कि आप अपना क्वारंटाइन ले सकते हो, मतलब 14 डेज ऑफ होम क्वारंटाइन ले सकते हो, या फिर आपको कोविड रिपोर्ट दिखानी पड़ेंगी। उसके अलावा अगर आप होम क्वारंटाइन भी लेते हो तो उसमें भी आपका सैंपल कलेक्शन होगा, वो भी 5 से 10 दिन के बीच में। और उसके बाद में आपका जब टेस्ट निगेटिव आ जाएगा आरटीपीसीआर, उसके बाद में आपको रिलीव कर देंगे, देन यू विल बी एबल टू गो टू वर्क।
मिजोरम की यही गाइडलाइंस है। इवन आपके फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप होना ही होना चाहिए, जिस पे आपको अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना होगा। पहले अगर आप अरुणाचल प्रदेश के अंदर ट्रैवल करते हो तो वहाँ पे तेजू एयरपोर्ट, तो तेजू एयरपोर्ट पे अगर आप जाते हो तब आपका वहाँ पे अराइवल पे रेड टेस्ट होगा, मतलब रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। उसके बाद में आपका आरटीपीसीआर रिपोर्ट टेस्ट भी हो सकता है, मतलब क्योंकि अगर आपका वो रेड टेस्ट निगेटिव आता है तब उसके बाद में आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। आपको जाके मतलब आपको जहाँ से आप ट्रैवल कर रहे हो, सपोज़ आप ट्रैवल कर रहे हो मुंबई से, तब आपको वहाँ से करवा के जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पे जाके आपका फ्री में टेस्ट हो जाएगा, सो यू कैन ईजिली ट्रैवल और बस। वेल अगर आप नागालैंड के अंदर ट्रैवल करते हो तो वहाँ पे दीमापुर एयरपोर्ट पर अगर आप ट्रैवल करते हो तो वहाँ पे आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वहाँ पे ट्रैवल करते हो, इवन आप सिम्टोमेटिक हो या फिर असिम्टोमेटिक हो, तब भी आपको 14 डेज़ का होम क्वारंटाइन करना पड़ेगा। वेल अगर आप सिम्टोमेटिक हो तो वहाँ पे आपको एन कोविड नागालैंड का एक ऐप है, वहाँ पे जाके आपको वो डाउनलोड करना पड़ेगा और उसमें डेली आपको अपने दिन में दो बार रिपोर्ट जमा करनी पड़ेगी कि आपकी तबीयत कैसी है, कैसे हो आप। अगर आपको उस क्वारंटाइन से बचना है तब आपको अपना रैपिड टेस्ट, मतलब कि अपना कोविड टेस्ट करवाना ही करवाना पड़ेगा, एंड देन यू विल बी एबल टू फ्री एंड गो बैक टू वर्क। उसके बाद में कुछ लोगों के लिए छूट है, जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी या फिर कोई इमरजेंसी में आ रहा है वहाँ पे और किसी फ्यूनरल में जा रहा है, तो इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा छूट है, आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो वहाँ पे, तब आपको क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आप मणिपुर के अंदर ट्रैवल करते हो तो वहाँ पे इम्फाल एयरपोर्ट है, तो इम्फाल एयरपोर्ट पे ये है कि अगर आप ट्रैवल करते हो तो ट्रैवल करने से दो दिन पहले आपको ई पास के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ई पास अपना बनवाना पड़ेगा वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए। उसके बाद में आपको अपना कोविड टेस्ट वहाँ पे करवाना ही पड़ेगा, जो कि आगे अराइवल पे ही हो जाएगा। अराइवल पर पहुँचने के बाद में अगर सपोज आप निगेटिव आते हो तो आपको 14 डेज होम क्वारंटाइन है, और अगर आप पॉजिटिव आते हो आरटीपीसीआर टेस्ट में तब आपको वहीं से सीधे हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा आपके ट्रीटमेंट के लिए। वेल दैट इज़ गुड। एंड कुछ लोगों के लिए छूट है, जो कि सपोज 7 दिन से कम के लिए वहाँ पे स्टे करने के लिए आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए छूट है, उन लोगों को क्वारंटाइन 14 डेज नहीं करना पड़ेगा। इवन अगर कोई आर्मी वाला पर्सन आ रहा है तब उनको क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये सारी छूट है। इवन होपफुली आपको इन 7 के 7 स्टेट्स की पता चल गई होगी अगर आप एयर से ट्रैवल कर रहे हैं, एंड होपफुली दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। बाकी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है यू कैन जस्ट मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम डायरेक्टली ओवर देयर, जस्ट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच गाइस। नमस्कार सभी को, जय हिंद।